एक उनकी डील ही है क्योंकि बेसिकली इसको प्रेसिडेंट बाइडेन ने वाइट हाउस ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की जिसमें ये कहा कि वो कह रहे हैं कि जी एयर इंडिया जो है, है फ्रॉम से खरीदने जा रहा है ने ये कहा या, या तो पाकिस्तान के दो रास्ते रहेंगे मई या दिवालिया अब नारे लोग मार रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग क्या चाइना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा रहा है मुझे तो यह लग रहा है लेकिन हम आपको ये बताते चले चाइना चाइना जो पाकिस्तान का बड़ा दोस्त समझा जाता है वो जो हम कहते हैं ना समंदर से गहरी और पता नहीं हिमालय से ऊंची और किस किस तरह की जो है वो हमारी दोस्ती है चाइना के साथ तो जी चाइना की तरफ से कहा गया है कि अब मजीद कोई शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी जब तक के पेमेंट नहीं मिलेगी लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो गई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त और पिक्चर बाकी ये है कि चाइना ने कहा है जो पिछली चीजें आप लोगों ने ली थी जो पहले आपके पास शिपमेंट्स गई हैं जो पहले सामान गया है पाकिस्तान के पास चाहे वो आप हमारे बिजनेस के लिहाज से हो चाहे वो दूसरे जो आप जानते सी पैक वगैरह के लिए भी आ रहा था उन्होंने कहा पहले उसके पैसे पड़ाओ हमें यानी कि चाइना ने दोस्ती को साइड पर रखा और मतलब पैसों के ऊपर चले गए इस किस्म के मतलब ये कैसी दोस्ती है ना यार दोस्त तो आपस में पैसे वैसे पे बात नहीं करते लेकिन चाइना करता है और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे और समझ क्या रहे थे अपने लोगों को हम चूरन खिला रहे थे जैसे कश्मीर का खिलाते हैं इसी तरह से चाइना का चूरन खिला रहे थे तो जी चाइना ने फाइनली कह दिया है के शिपमेंट रोक दी है हर तरह की चाइना ने पाकिस्तान के लिए और कहा है कि जी पहले पैसे पकड़ाओ फिर आगे बढ़ो तो और यही नहीं बल्कि जो पिछली पेमेंट्स भी रहती हैं जरा वो भी क्लियर कर दें मतलब एक तो हमारे पास पहले ही जहर खाने को पैसे नहीं है ऊपर से ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं लेकिन हमसे तो ये कहा गया था कि आई जब पैसा दे देगा यानी आई से जब हमें फंड मिल जाएंगे तो उसके बाद चाइना भी कोई इतनी 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 मोटी मोटी गड्डियां लेके बैठा है पैसों की हमें देने के लिए मतलब डॉलर्स की मगर यहाँ पे तो बस कहानी कोई और ही लग रही है मुझे तो अभी देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जी खतरे की घंटी तो बहुत दिनों से बहुत लोग बजा रहे हैं मगर हम सुन नहीं रहे किसी की हमारे कान में जो है ना पानी घुस गया मतलब ये कि वो फ्लड आया था ना इस वजह से शायद क्योंकि ये फाइनेंशियल टाइम्स की बात नहीं है हमारे लिए तो अमेरिका भी घंटी बजा रहा है खतरे की भारत भी बजा रहा है और भी बहुत सारी कंट्रीज बता रही हैं कि जी आपकी हालत बहुत खराब है कुछ कीजिए कुछ कीजिए लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा और ना ही हम कुछ करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर अटलांटिक जो है उसने अपने यूके बेस्ड एक एयरलाइन है और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को और पर्टिकुलरली जो हमारे वेस्टर्न इतहादी हैं ख़ासतौर ग्रेट ब्रिटेन को रिक्वेस्ट की थी कि ये जो वर्जन एटलान्टिक है या जो ब्रिटिश एयर लाइन है इनको पाकिस्तान में लेके आएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो लंडन में रहते हैं या बहुत सारे और बरतानिया के इलाकों में रहते हैं तो डायरेक्ट लाइन होनी चाहिए एयर लाइन होनी चाहिए वरना क़तर से यू से और बाकी जगहों से जाना पड़ता था लेकिन ये इन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिए और पाकिस्तान को कुछ बताया भी नहीं गया और हकूमत पाकिस्तान नॉर्मली आपको पता पसंद नहीं करती कि वो बताए कि ऐसा क्या हो रहा है दूसरी तरफ अगर आप देखें कि भारत के वज़र अजम नरेंद्र मोदी ने और जो बाइडन ने एक उनकी एक 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 डील ली है Uh, क्योंकि बेसिकली इसको प्रेसिडेंट बाइडेन ने वाइट हाउस ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की जिसमें ये कहा कि वो कह रहे हैं कि जी एयर इंडिया जो है वो तकरीबन 200 सौ अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट जो है फ्रॉम बोइंग से ख़रीदने जा रहा है अब ये जारी बात है वो कह रहे हैं कि ये एक मिलियन अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगी फोर्टी फोर अमेरिकन स्टेट्स के अंदर दिस इज़ वॉट द प्रेजिडेंट जो बाइडन से क्या चाइना पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवा रहा है मुझे तो ये लग रहा है जी हाँ देखें हम हमने इस वक्त सबसे बड़ी डेट सर्विसिंग चाइना की करनी है और अब चाइना का मसला यह है कि चाइना ने हमसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में की उन्होंने श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट करा दिया डेट सर्व रीश्यूलिंग की वहाँ भी वेस्ट का एक ही मौक़ था कि आप हमसे पैसे लेकर चीन हाँ। को दे देंगे हम आपको क्यों पैसे देंगे और वो जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे जो बहुत प्रो चाइना थे आखिर वो इकतदार से गए और श्रीलंका को अपनी प्रो चाइना पॉलिसी बदलनी पड़ी जाकर फिर आईएमएफ ने उन्हें बेल आउट पैकेज दिया क्योंकि वेस्ट का इस बात पर बिल्कुल एक इतिहाद है और हकीकत है कि वो ये कहते हैं कि हम अपनी फिनंसिंग चाइना की को नहीं देने को तैयार जो पैसा हमारे पास है वो आप हमसे लेकर चीन को नहीं दे सकते चीन के कर्जे आपने देने हैं वो आप अपना बंदोबस्त करें आपने चीन के कर्जे देने आप रिशेड्यूल कराएं आपकी को हमालिया से ऊंची दोस्ती है आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तबाह की है ये आपका और चीन का मसला है तो इसलिए अगर आज चाइना हमारे 45 परसेंट कर्जे रीशेड्यूल कर दे जैसे कि नाइन के बाद पेरिस क्लब से हुए थे मुशरफ साहब ने कराई थी कल सारी बातें मैं कर चुका हूं आ, तो इसलिए ये मसला एक मिनट में हल हो जाएगा लेकिन ये श्रीलंका का हाल सामने है चाइना नहीं करेगा चाइना ने श्रीलंका को की पोर्ट भी ली और डिफॉल्ट तो क्या आपसे मैं एक दो टोक सवाल पूछूं क्या खुदा ना खास का चाइना जो है हमें डिफॉल्ट करा रहा देखिये वो डिफॉल्ट कराने के करीब ले आया है आज हम अब आप ये सब कहते हैं जी 16 बिलियन डॉलर के हमारे पास रिजर्व्स थे कहा चले गए